गाइस अपन को पता चला थैनोस सिटी के अंदर तबाही मचा रहा है, इसलिए अपन चल रहे हैं उसको रोकने के लिए। उस थैनोस की ऐसी की तैसी, पता नहीं बाकी सारे सुपर हीरोज क्यों नहीं गए। खैर कोई बात नहीं, अपन सिटी के अंदर है इसलिए अपन ही चल के थैनोस को रोक लेंगे। ए रहा थैनोस, सच में इसने क्या ही खतरनाक वाला तबाही किया है, पीछे देख रहे इसने क्या करके रखा है। और भाई सब ये क्या, ये रहा बाकी सारे सुपर हीरोज, इसने तो एवेंजर्स को ही मार दिया है। कैप्टन, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन सबकी बॉडी पड़ा हुआ है। अब तुम इसको छोड़ूंगा नहीं थैनोस को, बचे तू जो भी कर रहे रुक जा, नहीं तो आज मैं तुझे नरक में भेज दूंगा। मैंने पूरी एवेंजर्स टीम को खत्म कर दिया है और तेरे जैसा बेवकूफ अगर मुझे धमकाएगा, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। अबे यार, इस थैनोस की बच्चे की ताकत इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? सच में इसने मुझे मार मार के मेरी हालत खराब कर दिया है। ये क्या, मेरा आँख भी बुझ चुका है, मेरे नरक की आग यही नहीं बुझता, लेकिन इसकी ताकत इतना ज्यादा है इसे मेरे पाठ लगा दिया है। मेरा बाइक भी उधर पड़ा हुआ है। बाइक को छोड़ो यार, खुद की जान बचाते हैं अपन। एक तो अपन मरे हुए हैं पहले से ही, ऊपर से मुझे फिर से मार देगा शायद, पता नहीं यार। अपन निकल देते से, फिर अपन देखेंगे इसको कैसे अपन हरा सकते हैं। लेकिन अभी अपन अपनी ताकत को बढ़ाए कैसे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तो जिसको जादू आता था उधर डॉक्टर स्ट्रेंज, वो तो मर चुका है, अब मैं क्या करूं? अरे एक सेकंड रुक जाओ, मैंने सुना था शहर के बाहर एक साधु जी आए, उसके पास काफी सारे मैजिकल पावर है, शायद वही मेरी ताकत को बढ़ा सकता है। चलो फटाफट अपन चलते हैं उनके पास। अपन रोड से एक बंदे की साइकिल को ले लिया है और साइकिल लेकर आ चुके हैं अपन इस पहाड़ के ऊपर। इधर ही आसपास रहता हुआ वाली गुरुजी, पता नहीं है कहाँ पर, अभी तक तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो ओके, ओ रहा गुरुजी। अबे यार ये कैसा गुरु है, इसके नीचे तो आग जल रहा है, शायद मुझे इसको बचाना पड़ेगा। कमान अपन फटाफट चलते हैं इधर, इनके नीचे की आग को मुझे जल्दी से बुझाना होगा, मेरे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है। कमान अपन बुझाते आग को। अरे पागल, तू क्या कर रहा है, ये आग को क्यों बुझा रहा है? इस आग की वजह से ही मैं हवा में उड़कर ध्यान कर रहा हूँ, ये आग ही मेरा शक्ति है। ओके, इस गुरुजी की ताकत ही आग है। अबे यार मैं तो गलती से इस आग को ही बुझा देता। खैर कोई बात नहीं गुरुजी, मेरे ताकत भी आग था, लेकिन सिटी के अंदर एक काफी खतरनाक वाला टाइटन आ चुका है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन है, उसने मेरे आग को बुझा दिया है। क्या मेरे हेल्प कर सकते हो मेरी ताकत को बढ़ाने में? ओके ठीक है, मैं तेरा ताकत को फिर से बढ़ा दूंगा, लेकिन पहले तू मेरे लिए एक टेडी बियर को लेके आ, जिसको मैंने नीचे के जंगल में एक पेड़ के पास रखा है। अगर तू उसको ले देता है तब फिर मैं तुझे आग की पावर दूंगा। इतना सिंपल काम है, अपन को बस एक टेडी बियर लाना होगा, ये तो मैं चुटकी में कर सकता हूँ। ओके नीचे मुझे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उधर ही चलना है। चलो अपन साइकिल लेके चलते हैं, फटाफट अपन पहुंच जाएंगे। लेट्स गो, साइकिल को लेकर अपन सीधा ही चलते हैं, घूम के जाने का टाइम नहीं है। वैसे भी मेरा ड्राइविंग स्किल काफी अच्छा है, वैसे तो मैं बाइक चला देता, कोई बात नहीं। अपन फटाफट चलते हैं, देख रहे हो अपन कैसे से नीचे आ रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं होगा, वैसे टूटेगा भी तो मेरा हड्डी टूटेगा, अपने शरीर में कुछ है तो नहीं। देख रहे हो अपन कितने खतरनाक तरीके से जंप करके आ चुके नीचे। अभी इन पेड़ के आसपास ही होना चाहिए बोले टेडी बियर, अपन साइकिल को इधर रखते हैं, देखते हो बोले टेडी बियर है कहाँ पर, क्या इधर है? अब यार एक भी टेडी बियर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पर हो सकता है? अरे इतने सारे पेड़ है, अब कहाँ पर होगा? चलो देखते हैं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। गुरुजी के लिए अपन को बोले टेडी बियर को ढूंढना तो पड़ेगा ही, कहाँ पर हो सकते टेडी बियर, इधर की पेड़ में भी नहीं है। अरे यार ओके, और टेडी बियर मुझे दिख चुका है। अबे यार टेडी बियर दिख चुका है, साथ में आसनी के बियर भी आ चुका है। अबे तो कुंफू वाली बियर है, ये लोग मुझे क्या ही खतरनाक तरीके से मार रहा है। अरे यार गुरुजी ये चीज तो नहीं बोलते कि इधर कुंफू बियर भी रहता है, ये लोग मुझे क्या ही मारा है, मार मार के मेरी हालत खराब कर दिया है। अपन इधर से भागते हैं, अभी मैं टेडी बियर को ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है। अरे इन लोग तो मुझे भागने भी नहीं दे रहा, पीछे से आकर मार रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब तो मैं हार नहीं मान सकता, मुझे इनको मार कर नहीं टेडी बियर को लेके जाना होगा। कमान रुक जा यार, कितना मारेगा, मुझे मार मार के मेरी हालत खराब कर रहा है। गाइस इन सारे बियर को हराने के लिए आप लोगों की लाइक की जरूरत है, तो जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। और अपन इन सारे बियर को हराते हैं। अबे रुक जा यार तेरी तो, देख रहे हो इसको मैं मार के पानी में लेकर आ चुका हूँ। कमान कहाँ पर चला गया, ए ले तू, बहुत हो गया तेरा, मेरे को तो अब से मार रहा था ये। कमान ए ले तू मेरी लात, आखिरकार मैंने एक बियर को हरा दिया है, ये तो क्या काम से। चलो अभी अपन चलते फटाफट ऊपर। ऑल राइट अपन ऊपर आ चुके, बाकी के दो बियर क्या कहाँ पर, एक को तो मैंने मार दिया था, पता नहीं वो लोग सिर्फ फिर से छुप गए मुझे मारने के लिए, कोई बात नहीं वो लोग जहाँ पर भी छुपे हैं। अपन चुपचाप चलकर उसमें टेडी बियर को ले लेते हैं। कमान इधर कहीं पर था, ऑल राइट अपन बस पहुंचने। अरे भाई सब ये लोग फिर से आ गए इधर से, तुम्हारी ऐसे की तैसे ले तू बियर के बच्चे। ऑल राइट दो को मैं क्या ही मार रहा हूँ। अबे रुक जा यार, इनको शायद उस गुरुजी ने ट्रेनिंग दिया है, पता नहीं यार ये लोग बहुत ही ज्यादा मार रहा है। अरे ये क्या, ये तो खुद ही मुझे लात मार के नीचे गिर गया, देख रहे हो नीचे गिर गया, शायद मर गया है, पता नहीं देखते हैं अपन। अरे यार नहीं ये जिंदा है, नीचे से मुझे कुछ फेंक के मार दिया इसने, शायद कोई पत्थर उठा के फेंक दिया है। ओके तो अभी से नीचे जिंदा है। अब तेरी ऐसे की तैसे, रुक जा बियर के बच्चे, आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको भी मुझे नीचे ही मारना पड़ेगा। कमान तेरी ऐसे की तैसे ले। ऑल राइट आखिरकार मैंने इसको झटके से हरा दिया है और इसकी बॉडी में आग लग चुका है, क्या है किस तरह का रोबोट था, पता नहीं यार
खैर जो भी हो, अपन चलकर फटाफट उस वाले टेडी बेयर को ले लेते हैं। अब भी अपन इसको उठा लिया है, अभी देखते हैं मेरा साइकिल है कहाँ पर। ऐसे में भाग के तो उतना ऊपर चढ़ नहीं सकता, साइकिल लेकर मुझे फिर से घूम के चढ़ना पड़ेगा। अपन टेडी बेयर को लेकर आ चुके गुरुजी के पास। ए रहा गुरुजी, और इनकी टेडी बेयर अपने हाथ में ही है। गुरुजी ये लीजिए आपकी टेडी बेयर, मैं इसको लेकर आ चुका हूँ। और क्या, तो सच में टेडी बेयर को लेकर आ चुका है? मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन उन तीनों भालू ने तुझे छोड़ दिया। अरे यार, इस गुरुजी की मजाक तो मेरे ऊपर भारी पड़ गया, ये तो सच में इस टेडी बेयर को आग में लगा दिया है। खैर जो भी हो, लेकिन गुरुजी आपके तीन बेयर को मैंने ही ठिकाने लगा दिया है, अब ये लोग कभी लौट के नहीं आएगा। अरे तो क्या बात कर रहा है, उन तीनों बेयर का तूने मार दिया? ठीक है, तूने मेरे टेस्ट को पास कर लिया है, अब तैयार हो जा, मैं तेरे अंदर आग की शक्ति डालूंगा। अब तू नरक की आग की शक्ति। और भाई साहब, इस गुरुजी ने मेरे अंदर क्या ही आग फूका है। अब यार, मेरा पूरी बॉडी आग से जल रहा है, पहले तो सिर्फ मेरे हेड में आग चलता था, लेकिन अभी देख रहा हूँ मेरे पूरे शरीर में आग चल रहा है। गुरुजी, आग को थोड़ा घटा दीजिए, अपने हेड में इसको पहुँचा दीजिए। ओके ठीक है, तो टेंशन मत ले, ये आग तेरे शरीर में ही चला जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा ताकत मैं तुझे दे नहीं सकता। ऑल राइट, फाइनली अपनी ताकत अपने हेड में आ चुका है। इस गुरुजी ने अपन को क्या ही आग फूका था। खैर कोई बात नहीं, इससे ज्यादा ताकत तो मुझे बढ़ा नहीं सकता। वैसे मैं इतना ताकत लेकर थानोस के साथ फाइट करने गया था, लेकिन उसने मेरे पार्ट लगा दिया, इसका मतलब मुझे मेरी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, तब जाकर मैं थानोस को हरा सकता हूँ। पर अपन और कैसे अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं? वैसे मेरे पास आगे पाव तो आ चुका है, चलो देखते हैं अपन और कैसे अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। गाइस, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपन ने मेविस्टो को सामान किया है। इसलिए देख लो चारों तरफ के वेदर कैसे चेंज हो चुका है, बिल्कुल नरक जैसा बन गया। ए रहा मेविस्टो, मेविस्टो तो सच में आ चुका है, चलो अपन इससे बात कर लेते हैं। और मेविस्टो, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मैं चाहता हूँ तू मेरी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दे। अरे घोस्ट राइडर, मैंने ही तुझे ताकत दिया था, और अभी तू चाहता है मैं तेरी ताकत को बढ़ा दूं, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, नरक के डीमन काफी ज्यादा मतलबी होता है, बिना मतलब के लोग कुछ भी नहीं करता। अब मेरे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या करूँ मैं? ओए ठीक है, तू मेरी ताकत को बढ़ा दे, मैं तेरी बात मान लूंगा। अरे इससे कुछ नहीं होगा, अगर तुझे तेरी ताकत को बढ़ाना है तो फिर मेरे लिए काम करना होगा। एक एंजल आया है, उसने मेरे कुछ डीमन को भड़का दिया है, अभी वो सारे डीमन एंजल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ जंग छेड़ना चाहता है। मैं चाहता हूँ तू उन सारे डीमन और उस एंजल को मार दे, तो फिर मैं तेरी ताकत को बढ़ा दूंगा। अबे यार, अब तो मुझे एंजल के साथ जंग भी करना पड़ेगा इसके लिए। चल ठीक है, मैं तेरा काम कर दूंगा, वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अपने पास जो भी ताकत है इसे अपन एंजल को तो हरा ही सकते हैं। चलो अपन फटाफट चलते हैं उस एंजल के पास, उसकी ऐसी की तैसी। अपन तैर कर आ चुके इस वाले आइलैंड पर, इससे आइलैंड पर एंजल के साथ मिलकर डीमन आर्मी बन रहे हैं। चलो देखते हैं वो सारे लोग हैं कहाँ पर, अभी तक तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके, सामने मुझे कोई दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, ये रहा वो सारे डीमन। अरे सच में ये सारे डीमन तो मेविस्टो के लिए काम करता था, पता नहीं मेविस्टो ने क्या किया है, ये लोग उसके खिलाफ भड़क गया। और सच में वो रहा सामने एक एंजल, उस एंजल के ऐसी की तैसी। ओए आज तुम लोग सारे मरने वाले हो, मेविस्टो ने मुझे भेजा तुम लोगों को मारने के लिए, और एंजल के बच्चे तू भी आज क्या काम से? अरे बेवकूफ घोष राइडर, तू एक एंजल को मारेगा? देख रहे हो डीमंस, तुम्हारे पुराने मालिक ने तुम लोगों को मारने के लिए इसको भेजा है, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मारो इसको। अरे ये सारे फुद्दू सा डीमन मुझे मारेगा, मेरे पास नरक की आग की ताकत है, इनको तो मैं चुटके में उड़ा सकता हूँ। कमान, देख रहे हो सारे सारे डीमन के मैंने हालत क्या किया है, एक झटके में सबके सब मर चुका है, एक भी डीमन नहीं बचा। अब इस एंजल की बारी है। अरे तेरी गलत फहमी है, तेरे पीछे तू देख, मेरे डीमन की जनरल अभी बाकी है। अबे एंजल के बच्चे ज्यादा बकवास मत कर, तेरे मरने का टाइम हो चुका है, मेरे पीछे कौन है? अरे भाई सच में एक डीमन आ चुका है, इसकी ताकत तो बाकी सारे डीमन से काफी ज्यादा है, इसको शायद एंजल ने पावर देकर रखा है, पता नहीं इसने मुझे मारकर पानी में भेज दिया। अब तो मुझे इनको हराना ही पड़ेगा, कमान अपन चलते इधर से, लेट्स गो। अरे पानी के अंदर भी एक डीमन है, उसने भी मुझे पानी से बाहर फेंक दिया, ये क्या चल रहा है? दो डीमन आ चुका है, पता नहीं चल क्या रहा है, एंजल की ताकत के डीमन से ज्यादा है, पता नहीं क्योंकि इसने डीमन को पावर दिया है और वो डीमन मुझे मारे जा रहा है। कमान कमान अपन चल दे, इनको मुझे अब हराना ही पड़ेगा। अरे दो कूद क्या क्या, अबे रुक जा यार, दो मिलके मुझे मार रहा है, क्या ही मार रहा है मुझे, अब तो मुझे इनको घूम कर मारना ही पड़ेगा। कमान ये ले तू मेरी झटका, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास आग की ताकत है, देख रहा मैंने इसको कैसे से मारा है, एक डीमन जनरल की मैंने बैट लगा दिया है, शायद एक और बच रहा है। अरे यार सच में तू मुझे नीचे से मार कर ऊपर फेंक दिया है, देख रहा मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ, अभी मेरे पास उड़ने वाली ताकत नहीं है, नहीं तो मैं उड़ जाता, बट कोई बात नहीं, अब तो मुझे इसको भी हराना होगा। पर ऐसा लग रहा है इसकी ताकत सबसे ज्यादा है, क्या ही मार रहा है ये, मुझे पहले से मार रहा था बट कोई बात नहीं। अरे यार फिर से पकड़ लिया है, आज तो तू क्या काम से, बहुत हो गया, आज तुम मरेगा। चलो आखिरकार मैंने इसको भी हरा दिया है, अब भी अपन निकल देते से, उस एंजल की बारी है। ओए एंजल आप क्या करेगा, मैंने तेरे डीमन जनरल को भी हरा दिया है। अरे घोस्ट राइडर, मैं तुझे मारने नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुझे नहीं मारा, वैसे भी इन सारे डीमन को भी मैं मारने ही वाला था, क्योंकि ये सारे डीमन जो थे
खैर जो भी हो, अभी मैं तुझे मेरी थोड़ी सी ताकत दे रहा हूँ और मेरे जैसा एंजल को विंग दे रहा हूँ जिससे कि तू उड़ पाएगा और अभी तू जाकर मेफिस्टो को हरा दे तो फिर वो लोग कभी नरक से बाहर नहीं आ पाएगा। इस एंजल की बात तो सही है, इसने तो डीमोन को ताकत दिया था, वही डीमोन काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। अगर ये मुझे विंग भी देगा तो फिर मेरी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और वैसे भी मेफिस्टो काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे पावर नहीं भी दे सकता है, लेकिन ये एंजल मुझे डायरेक्ट पावर दे रहा है, ये वाली ऑफर मेरे लिए अच्छा है। चलो अपन देखते हैं अपन को कैसा पावर मिलता है। ऑल राइट, सच में अपन को एंजल का विंग मिल चुका है, गोल्डन विंग, देख रहे हो, ये तो काफी खतरनाक चीज है। ओके एंजल, ठीक है मैं तेरा काम कर दूंगा। ये एंजल तो बिल्कुल सच बोल रहा था, एंजल अच्छा ही होता है। चलो अभी मेफिस्टो को मारने के टाइम हो चुका है, लेट्स गो। अपन इस विंग के साथ काफी तेज से उड़ भी सकते हैं, ये तो काफी कमाल का बात है। अपन एंजल विंग के साथ आ चुके हैं इधर ऊपर, लेकिन इधर मेफिस्टो तो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार मेफिस्टो तो इधर ही था, उसकी ऐसी की तैसी, वो कहां पर चला गया? और भाई जब ये रहा मेफिस्टो, इसको पता चल गया है अपन एंजल के साथ डील किया है, इसलिए तो डायरेक्ट आकर मुझे मारने लग गया, लेकिन इसको पता कैसे चला? अबे यार इसकी ऐसी की तैसी। अरे तेरे पीछे इतने बड़े बड़े एंजल के विंग लगा हुआ है और मुझे नहीं पता चलेगा, आज तो मैं तुझे तबाह कर दूंगा। अरे हाँ मैं तो ये चीज भूल ही गया था, मेरे पीछे इतने बड़े बड़े एंजल का विंग लगा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अभी इसको पता चल गया है तो अपन इसको मार भी देते हैं। कमान, अरे यार मैं इसको मारने वाला था लेकिन यही मुझे मार चल रहा है, बट कोई बात नहीं। कमान, इसको मैंने मार के नीचे ही फेंक दिया है, शायद अभी मर चुका है। चलो मैं चल के इसकी बॉडी को चेक कर लेता हूँ, इधर ही कहीं पर मैंने इसको मार के फेंका था। अरे ये क्या, तो अभी तक जिंदा है, मुझे नीचे खींच रहा है, अभी मुझे छुप छुप के मार रहा है। अबे तेरी इतनी हिम्मत है, सामने आ जा, देख मुझे जमीन के अंदर खींच रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी तो मुझे हरा नहीं सकता, मेरे पास एंजल की ताकत है, अभी मैं इसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा, जला के इधर खाक कर दूंगा बिल्कुल। देख रहे हो अपने मेफिस्टो को मार के नरक में भेज दिया है। खैर कोई बात नहीं, चलो अभी अपने इधर से निकलते हैं। अपन उड़कर उधर से निकल गए और इधर के वेदर भी ठीक हो चुका है, देख रहे हो, और वैसे अपनी ताकत भी काफी ज्यादा है, लेकिन थैनोस के पास है इन्फिनिटी स्टोन, इन्फिनिटी स्टोन के सामने मेरी ताकत कुछ भी नहीं है। हर एक सेकंड जो इधर क्या चल रहा है, ये तो ऑल फादर ओडिन है, ओडिन इधर क्या कर रहा है? अरे थोर मेरे बेटे, तू ऐसा मत कर, तो ओडिन के बेटा है थंडर गॉड थोर, तू ऐसे बंदर की तरह हरकत करेगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। और भाई सब सच में ये तो थॉर है, थॉर ऐसा बंदर की तरह हरकत कर रहा है, इसके साथ क्या हुआ है? चलो अपन ऑल फादर ओडिन से ही बात करते हैं, अपन आ चुके हैं इधर। ऑल फादर, इस थॉर के साथ हुआ क्या है? अरे घोस्ट राइडर मैं क्या ही बताऊं, ये सब थैनोस के किया धरा है, उसने मेरे बेटे के दिमाग को चिरा लिया है और उसके दिमाग की जगह एक बंदर के दिमाग को भर दिया है, जिसकी वजह से थॉर ऐसा बंदर की तरह हरकत कर रहा है। मेरे पास ताकत तो है थैनोस को हराने का, लेकिन मैं थैनोस के साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मैं नायम रेलन का ऑल फादर हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ यही फाइट नहीं कर सकता। सच में थॉर बंदरों के साथ मिलकर बंदर की तरह हरकत कर रहा है, इसके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा। थॉर एवेंजर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए थॉर को थैनोस ने सबसे पहले ऐसे बना दिया है। खैर जो भी हो, ऑल फादर मैं साथ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप मेरी ताकत को बढ़ा दे तो फिर मैं थैनोस को हरा सकता हूँ। अरे हाँ घोस्ट राइडर, मैं तेरी ताकत को बढ़ा सकता हूँ, तू उधर जाके खड़ा हो जा, मैं तुझे कॉस्मिक पावर दूंगा जिससे तू थैनोस को चुटकी में हरा सकता है। ओके ऑल फादर अपने पावर को कॉस्मिक लेवल पे बढ़ा देगा, चलो अपन इधर ही खड़ा हो जाते हैं, देखते हैं अपनी ताकत कितना ज्यादा बढ़ता है। ऑल राइट, सच में ऑल फादर ने अपन को कॉस्मिक लेवल का पावर दे दिया है, देख रहा अपनी पूरी बॉडी चेंज हो चुका है और अपनी फ्लेम का कलर भी चेंज हो गया, ये अभी ब्लू कलर की फिल्म बन चुका है, पता नहीं किस तरह की पावर मिला है मुझे। खैर जो भी हो, अभी अपने इधर से चलते हैं, अभी थैनोस को हराने का टाइम हो चुका है, लेट्स गो। और भाई अपन तो काफी तेज भाग भी सकते हैं, इसका मतलब मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गया, क्या मैं उड़ सकता हूँ? अरे हाँ सच में अपन बिना विंग के भी उड़ सकते हैं, अभी इस बार तो अपन थैनोस को छोड़ेंगे नहीं। चलते अपन सिटी के अंदर, अपन उड़कर आ चुके सिटी के अंदर, थैनोस तो अभी तक इधर ही खड़ा हुआ है। अबे इसकी ऐसी की तैसी, अब इसको मरने का टाइम आ चुका है, इसको अपन दिखाएंगे कॉस्मिक ताकत कितना ज्यादा होता है। कमान तू, एक लात से मैंने इसको कितना दूर फेंक दिया है, क्या मर गया? देखते अपन। अरे नहीं ये तो उठकर आ चुका है। अबे थैनोस के बच्चे तेरी इतनी हिम्मत, टूट के आ गया, लेकिन इस बार उठ नहीं पाएगा। अरे भाई सभी तो मुझे आग फेंक के अटैक कर रहा है, आग से मुझे कुछ नहीं होता है। कमान फिर बहुत हो गया, आज अपन इसको दिखाएंगे कॉस्मिक ताकत कितना ज्यादा होता है। ये इन्फिनिटी स्टोन लेकर मुझे मार रहा था, और भाई क्या ही अटैक कर रहा है, पर कुछ भी कर ले तू जीत नहीं सकता, इसको अपन मार मार के इसकी हालत खराब कर देंगे। लेट्स गो, इसको मैंने पकड़ लिया है और एक घुमा के दे फेंका, देख रहे हो इसको मैंने बाट लगा दिया है। अभी चलो ये तो उठ भी नहीं रहा, सच में अपन थैनोस को हरा दिया है। इसके हाथ से अपन इन्फिनिटी गॉन्टलेट को ले लेते हैं। ऑल राइट, अपन इन्फिनिटी गॉन्टलेट को ले लिया है, अभी टाइम हो चुका है एवेंजर्स को जिंदा करने का, कैप्टन को जिंदा कर दिया है, अभी डॉक्टर स्ट्रेंज की बारी है। अरे कैप्टन इधर कहां पर आ रहा है पता नहीं, ये लोग अभी अभी जिंदा हुआ है इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। खैर कोई बात नहीं, अभी आयरन मैन की बारी है, सबको मैंने जिंदा कर दिया है, देख रहे हो ये लोग अभी डर के मारे भाग रहा है। अरे यार अभी अभी मैंने तुम लोगों को बचाया है, मतलब ये लोग अभी कुछ समझ नहीं पा रहे। खैर जो भी हो, अभी अपन इस लॉस्ट थैनोस की सबसे पावरफुल घोस्ट राइडर, कॉस्मिक लेवल का पावर है अपने पास, ऊपर से मेरे पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी है,
सो गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अपन और भी ऑसम वाली चीज़ें फिर वीडियोस लाएंगे एंड गाइस आप कमेंट में जरूर बताओ नेक्स्ट टाइम को किसको अपडेट करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।